हेलो दोस्तों, भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैम। जैम को बोलते हैं फल पाक, पाक बोले तो हलवा। अगर जैम की परिभाषा की बात करें तो जैम की परिभाषा होती है मीठे फलों के गुद्दा को चीनी के साथ पकाकर बनाया गया ठोस पदार्थ जैम कहलाता है। अब डेफिनेशन से तो अपने क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इसकी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो अपने सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले वही प्रोसेस, फलों का चयन। देखो, जैम जो बनता है वो हमेशा मीठे फलों से बनता है, और फल पूरी तरह से मीठे कब होते हैं? जब वो पूर्णतया पकी अवस्था में होते हैं, फुली राइप स्टेज पे होते हैं। तो फलों को पूर्णतया पकी अवस्था पर तोड़ा जाता है जैम बनाने के लिए। और सबसे जो बढ़िया जैम है वो बनता है सेब का। कल अपने बात की थी जेली की, सबसे बढ़िया जेली बनती है अमरूद की, और सबसे बढ़िया जो जैम बनता है वो किसका बनता है? सेब का। उसके अलावा जो मीठे फल है उनसे जैम बनाया जाता है, जैसे अपने जनरली बात करें गाजर है, अनानास है, तो इन आम है, तो इन फलों से जैम बनाया जाता है। उसके अलावा कुछ खट्टे फलों के जैम भी प्रचलित है, जैसे आंवला वगैरह से भी जैम तैयार किया जाता है, या करौंदा वगैरह से भी जैम तैयार किया जाता है। तो सबसे बढ़िया जो जैम बनता है वो किसका बनता है? सेब का बनता है। फलों के चयन की बात करते हैं, फलों की सफाई, फलों की सफाई यानी पानी वानी से बढ़िया उनको धो लिया जाता है। फलों की सफाई की बात करेंगे, अपने फलों की तैयारी, फलों की तैयारी में उनका छिलका उतार लेंगे, उनका जो कोर भाग होता है, जैसे अपने सेब की बात करें तो सेब में ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, कठोर होता है, इसको निकाल लिया जाता है, नहीं तो ये जैम की क्वालिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। फलों को छिल लेते हैं और उनसे जो भी बीच वगैरह कोर भाग कठोर भाग होता है उनको निकाल लिया जाता है। तैयारी के बाद करते हैं ब्लांचिंग। देखो, कल बताया था आपको मैंने जेली के टॉपिक में बताया था ब्लांचिंग क्या होता है। फल और जो सब्जियां हैं जिनकी प्रोसेसिंग करते हैं, उनको प्रोसेसिंग से पहले जस्ट तैयारी के बाद 2 से 5 मिनट के लिए पानी में गर्म कर लिया जाता है, पानी में बॉईल कर लिया जाता है, जिससे उनके सभी एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे वो काटने के बाद ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीकरण के कारण रंग खराब नहीं होता। जैसे आप सेब को काट के रख देते हो तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। लेकिन आप उसको बॉईल करके रख दोगे तो क्या होगा? सभी एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, ऑक्सीकरण होगा नहीं, सेब हमेशा ऑक्सीकरण के कारण ही काला होता है। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो वो काला नहीं पड़ने वाला, एक तो ये फायदा। दूसरा आपको बताया था उपापचय क्रियाएं भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, जितनी देर प्रोसेसिंग का टाइम रहेगा उस दौरान वो फल खराब नहीं होने वाला। तीसरा, फल कुछ क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। कई बार स्कूल कॉलेज में अपने जब प्रैक्टिकल करते हैं तो जैम में ढेले से बन जाते हैं, वो कम ब्लांचिंग के कारण भी हो जाता है। ब्लांचिंग करने के बाद फलों को पूरी तरह से क्रश कर लेंगे, यानी उनका गुद्दा तैयार कर लेंगे। अब फल गुद्दा तथा चीनी को साथ मिलाकर पकाना शुरू कर देंगे। जैसा जेली में बताया था आपको, चीनी सारी एक साथ नहीं मिलाते हैं, जो अपने बर्तन काम में लिया है उसमें पल्प डाल के चीनी की 1/3 मात्रा पहले डालते हैं, फिर धीरे 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 चीनी मिलाते जाते हैं। एक साथ आप चीनी डालोगे तो जैसे बात कर रहे थे अपने जेली वाले में, तो ये बर्तन के पास चीनी लग जाएगी और वो चीनी क्या हो जाएगी? जल जल जाएगी। तो चीनी कैसे रंग की हो जाएगी? भूरे रंग की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, जिसको क्रिमिलाइजेशन कहते हैं, यानी चीनी भूरी हो जाएगी। अब ये क्रिमिलाइजेशन यानी चीनी जल गई है तो अब ये चीनी घुलेगी नहीं, जब आप जैम खाओगे तो ये दांतों के नीचे चीनी आएगी, जिससे इसकी जो टेक्सचर होगा वो क्या होगा? हमें अच्छा नहीं लगने वाला। तो फल और गुद्दा व चीनी को साथ मिलाकर पकाना शुरू कर देंगे। शुरू में 1/3 भाग चीनी का डालेंगे, फिर धीरे धीरे अपने चीनी ऐड करते जाएंगे। अब देखो, फल गुद्दा कितना होना चाहिए जैम में? फल गुद्दा रस प्लस जो ठोस होता है वो फल गुद्दा होता है, तो फल गुद्दा होना चाहिए जैम के अंदर 45%। कल अपने जेली के अंदर बात की थी, जेली बनती है फल रस से और जैम बनता है फल के गुद्दा से, यानी ठोस भाग भी बन ठोस भाग होता है साथ में। दूसरा, अगर अपने टीएसएस की बात करें या चीनी की बात करें तो 68 डिग्री ब्रिक्स, यानी चीनी कितने परसेंट होगी? 68% होगी। 68 डिग्री ब्रिक्स अपने चीनी डालेंगे। अम्लता की बात करें तो जेम खाने में स्वाद में मीठा होता है और जेली खाने में खट्टी होती है, तो अम्लता कम रखी जाती है। जेली में तो 0.75 और जेम में 0.5 से 0.6% रखी जाती है। जल की मात्रा जेम और जेली में समान ही होती है, 33 से 38% तक होती है। ये जेम के अवयव होते हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। अब क्या करेंगे, जब तापमान 103 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उसके अंदर स्वाद के लिए क्या मिलाया जाता है? सिट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। जनरली 1 से 2 ग्राम प्रति किलो जेम के हिसाब से क्या करते हैं? सिट्रिक अम्ल मिलाते हैं।
बहुत ज्यादा फल है तो ये 3 ग्राम भी चला जाता है, इसलिए अपने 1 से 3 ग्राम बोल दे, 1 से 3 ग्राम प्रति किलो जेम के हिसाब से सिट्रिक एसिड बनाया जाता है, मिलाया जाता है, लेकिन जो रेशियो है वो कितना रहना चाहिए, 0.5 से 0.6, तो वो जज करके ही मिलाया जाता है। फिर उसके बाद अपने करते हैं अंतिम बिंदु की जांच। सिट्रिक अम्ल स्वाद के लिए मिलाया जाता है कितने तापमान पर, 103। उसके बाद हम करेंगे अंतिम बिंदु की जांच। देखो अंतिम बिंदु की जांच करने के लिए एक तो हमारे पास है टीएसएस टेस्ट, टीएसएस जो परीक्षण है कुल घुलनशील ठोस टोटल सोल्यूबल सॉलिड परीक्षण। जब जेम में टीएसएस 68 डिग्री ब्रिक्स हो जाए तो समझो जेम पककर तैयार है, जैसे जेली में कितना था 65 था। दूसरा है अपना तापमान परीक्षण। तापमान परीक्षण क्या होता है, जब तापमान 105 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो समझो जेम पककर तैयार है, यह है दूसरा तापमान परीक्षण। तीसरा है भार परीक्षण। भार परीक्षण वही है सेम जो जेली के अंदर अपने बात कर रहे थे, आपने जेम बनाने के लिए जितनी चीनी की मात्रा ली है अगर उससे वजन 1.5 गुना हो जाता है तो समझो क्या है, जेम पककर अपना तैयार हो गया है। चौथा होता है बूंद परीक्षण। देखो जेम और जेली के अंदर ये 3 टेस्ट तो एक जैसे ही है, टीएसएस तापमान और भार परीक्षण, ये जेम और जेली के अंतिम बिंदु जांच के लिए तीनों ही काम में लेते हैं। लेकिन जेली में हमने एक पढ़ा था सीट टेस्ट, वो जेम के लिए काम में नहीं लेते, और जेम में है एक बूंद परीक्षण यानी ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट क्या होता है, जेम लिया आपने चम्मच में और जो पानी है बिकर में आपने पानी लिया उसमें जेम की एक बूंद गिराएंगे, अगर जेम की बूंद तुरंत जाके सीधा नीचे जाके पेंदे में तले के अंदर बैठ जाती है तो समझो जेम पककर तैयार है। बूंद गिरते ही पानी में घुलने लगती है, डाइल्यूट होने लगती है तो समझो अभी जेम को और पकाने की जरूरत है। तो ये हो गया बूंद परीक्षण या ड्रॉप टेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, पैकिंग। जेम और जेली की जो पैकिंग की जाती है वो कांच के जार में की जाती है, कल अपने जेली वाले टॉपिक में भी बात की थी। नेक्स्ट बात है भंडारण। कोई भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है उसका भंडारण ठंडे व नमी रहित स्थान पे करते हैं, गर्म स्थान पे करोगे तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी और नमी वाले स्थान पे करोगे तो वहां कवक लगने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, इसलिए प्रोसेसिंग प्रोडक्ट को हमेशा ठंडे व नमी रहित स्थान पर भंडारित किया जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट जेम की प्रोसेस होगी। जेम हमेशा मीठे फल से बनता है और जेली हमेशा खट्टे फलों से बनाई जाती है। जेली के लिए पैकिंग जरूरी होता है लेकिन जेम के लिए पैकिंग जरूरी नहीं होता है। जेम के लिए सबसे बढ़िया फल है सेब और जेली के लिए सबसे बढ़िया है अमरूद। जेम के लिए आप फल की तुड़ाई करते हो पूर्णतया पकी अवस्था में और जेली के लिए तुड़ाई करते हो आप अर्ध पकी अवस्था में। जो जेम होता है वो फलों के गुद्दे से बनता है और जेली होती है वो फलों के रस से बनती है। जेम में टीएसएस 68 डिग्री ब्रिक्स होता है और जेली के अंदर 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। जो जेम होता है उसमें अम्ल कम होता है 0.5 से 0.6% होता है और जेली के अंदर 0.75% होता है। जेम के अंदर बूंद परीक्षण काम में लेते हैं और भार परीक्षण काम में लेते हैं, टीएसएस परीक्षण काम में लेते हैं और तापमान परीक्षण काम में लेते हैं अंतिम बिंदु की जांच करने के लिए। जेली में अंतिम बिंदु की जांच करने के लिए टीएसएस परीक्षण, तापमान परीक्षण, भार परीक्षण और सीट टेस्ट यानी चद्दर परीक्षण काम में लिया जाता है। ये जेम जेली का एक मोटा मोटा अंतर होता है। तो ये कंप्लीट अपने क्या होगी, जेम की प्रोसेस होगी। नेक्स्ट ये भी जरूरी नहीं है कि कई बार जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेम के पकने के लिए या जेम कितने तापमान पर पक जाता है, तो तापमान डिग्री सेल्सियस में दे ये तो जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है फारेनहाइट में भी दे दिया जाता है। डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में जो बदलने का फॉर्मूला होता है वो होता है सी इंटू 9/5 + 32। ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का। अब देखिए जैसे अपने जेम है वो कितने तापमान पे पकता है 105, तो सी का मतलब है डिग्री सेल्सियस, यहां पे 105 लिखिए फॉर्मूला ये अच्छे से लिख देना, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 + कितना हो जाएगा 32। ये अपना फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सेट कर दी है। अब क्या है ये कट जाएगा 2 और 1 21 से 9 * 9 = 18 + 32 9 और 2 = 11 और 8 और 3 = 12 221 डिग्री फारेनहाइट। अभी अपने डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो जेम का जो अंतिम बिंदु की जांच का तापमान है या पकने का जो तापमान है फारेनहाइट में भी पूछा जा सकता है।
प्रोसेसिंग के अंदर ज्यादातर तापमान अपने डिग्री सेल्सियस में पढ़ेंगे, लेकिन अगला जो एग्जामिनर है वो अपने से फारेनहाइट में, तो आप सारे जो डेटा है वो डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में याद करोगे तो बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। इससे अच्छा है फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद कर लोगे जो डेटा आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फारेनहाइट में दिया हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बदल दोगे और डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का तो फॉर्मूला आपने देख लिया, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ माइनस 32 इंटू 5/9। जैसे इसी को अपने इसी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, 221 डिग्री जो फारेनहाइट है, देखो यहां फारेनहाइट लिखा हुआ है, डिग्री फारेनहाइट, यहां लिखेंगे हम 221 माइनस 32 ब्रैकेट बंद 5/9। अब 221 में से 32 निकालें, 11 में से 2 गया, कितना हो गया 9, और पीछे बचा 1, फिर 11 में से 3 गया, कितना रह गया 8, 189 इंटू 5/9 बच गया, 9 दुना 18, 9 एकम 9 21, 21 पांचा 105, ये देखो 105 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का ये फॉर्मूला है और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदलने का ये फॉर्मूला है। तो बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो आपसे डिग्री सेल्सियस में दिए होते हैं, पढ़े होते हैं, और आगे डिग्री फारेनहाइट में फॉर्मूला आता है तो हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फल सब्जियों का जो निर्जीवीकरण है वो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान से शुरू हो जाता है, वैसे 100 पे भी होता है, 115 से 121 पे, जब अपने निर्जीवीकरण की बात करेंगे तब करेंगे। तो अब 100 को अपने 100 डिग्री सेल्सियस से इसको फारेनहाइट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इस फॉर्मूले में सेट कर देंगे। एग्जाम्पल मात्र ले रहे हैं अपने, बी पांचा 100 और 2 दुना 18 180 प्लस 32 कितना हो गया, ये 212 डिग्री फारेनहाइट आ गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फारेनहाइट होता है, 212। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, चाहे आपको डेटा डिग्री फारेनहाइट में दे डिग्री सेल्सियस में, आपको एक ही फॉर्मेट में आता तो दोनों पैरामीटर फॉर्मूले के हिसाब अपने आप ही याद रह जाएंगे। थैंक यू।